वेलकम टू यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ एस के। हेलो, दिस इज़ सोनाली कुमारी और आज हम कवर करने वाले हैं LSE 7 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी दिसंबर के एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हिट करें बेल का आइकन ताकि आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें। साथ ही साथ आप बाकी सब्जेक्ट्स के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस हमारे चैनल पे देख सकते हैं। CHE 1 के पूरी कोर्स का वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से जाकर के आप CHE 1 का वीडियो भी देख सकते हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम आज का वीडियो LSE 7 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द फिनोमिना ऑफ इंडस्ट्रियल मेलनिज्म। इंडस्ट्रियल मेलनिज्म का सिग्निफिकेंस फिनोमिना क्या है ये आपको बताना है। और मैं आपको बता दूं कि इंडस्ट्रियल मेलनिज्म का बहुत ही डिटेल्ड में आपकी बुक में दे रखा है एक एग्जांपल को लेकर के, पेपर्ड मोथ्स जिसे बिस्टन बेटुलेरिया कहते हैं, और ये मेलनिक और नॉन मेलनिक दो फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। और वहाँ पर आप इंडस्ट्रियल मेलनिज्म को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, आपके सामने है, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तीन टाइप की क्लासिफिकेशन होती है प्लांट के अंदर, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अगर आप एनिमल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको 5 टाइप्स की क्लासिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गेन विथ एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ पर हमने सिर्फ दो ऑर्गन की बात की है, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स, लेकिन एक वेस्टिजियल ऑर्गन भी होता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है LSE 7 में, तो आप उसे भी देख लेंगे। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो हमने एक वीडियो में अवेलेबल करवा दिया है, तो आप जा करके उस वीडियो से देख सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है LSE 7 के ऊपर, तो आप वहाँ से जा करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, एक्सप्लेन को इवोल्यूशन ऑफ प्रे प्रीडेटर। प्रे और प्रीडेटर का को इवोल्यूशन किस तरीके से होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ इसमें हर्बीबोर का भी आता है, कई बार और करके हर्बीबोर के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको वो चीज़ भी थोड़ी सी अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, डिफाइन स्पीसीज एंड स्पीसीएशन एंड डिस्क्राइब वन मैकेनिज्म ऑफ स्पीसीएशन। यानी कि यहाँ पर आपको स्पीसीज डिफाइन करना है, स्पीसीज क्या होता है, फिर स्पीसीएशन क्या होता है, और इसके बाद में एक मैकेनिज्म के ऊपर भी आपको थोड़ी सी रोशनी डालनी है। यानी कि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, व्हाट अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड टू इम्प्रूव द जेनेटिक एंडाउमेंट ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन की जेनेटिक को इम्प्रूव करने के लिए किस टाइप के अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में आया हुआ है आपके 2019 के जून के एग्ज़ाम में। बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी थी लेकिन ये क्वेश्चन आया था, हमने ये क्वेश्चन बताया था आपको हमारे चैनल पे, और ये फिर से बता रहे हैं क्योंकि इसके आने की प्रोबेबिलिटी इस बार भी नज़र आ रही है। बात कर लेते हैं अब बाकी के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। और ये क्वेश्चन मैं बहुत ढूंढ के लाई हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ है और इस ईयर भी आने की इसकी प्रोबेबिलिटी है। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत सालों से नहीं आ रहे थे और लास्ट एग्जाम में ही दोनों क्वेश्चंस आए हैं। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स जो है वो आपके एग्जाम में, आपके जो कोर्स है उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। हॉर्स के अंदर एक तो इवोल्यूशन ये हुआ कि एक जनरल इंक्रीज हुई उनके साइज में, उनकी नेक की लेंथ बढ़ गई और साथ ही साथ मोबिलिटी भी इंक्रीज हुई है, और मोलर टीथ जो होते हैं हॉर्स के उनमें इंक्रीज आई उसकी हाइट और कॉम्प्लेक्सिटी में। तो ये तो 3 डिफरेंस मैंने बता दिए, लेकिन यही क्वेश्चन बहुत सारे डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। ये कहा जाता है कि 3 मेजर डिफरेंसेस को इवोल्यूशंस क्या हुए हॉर्स के अंदर, वो आप बताइए, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। कोई भी 3 मेजर डिफरेंस आपको लगता है, मेजर इवोल्यूशन लगता है, तो आप वो 3 मेजर इवोल्यूशन लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो 2012 या फिर 2013 के बीच में आया था, 7 मार्क्स में पूछा गया था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, यहाँ पर एक्सपेंड करना है, कुछ फॉर्म्स मैंने लिख रखा है, आप इन्हें एक्सप्लेन कीजिए, एक्सपेंड कीजिए। और ये चीज़ भी मैंने लास्ट वीडियो में करवा दिया है जहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे, आप वहाँ जाकर के हमारे चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं।
हमारे पास अब 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज रिंग स्पीसीज, रिंग स्पीसीज क्या होता है एंड एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। जब आप स्पेसिएशन पढ़ेंगे वहीं पर आपको रिंग स्पीसीज पढ़ने के लिए एक पॉइंट मिलेगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ से रिंग स्पीसीज के बारे में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, लिस्ट मेजर ट्रेंड्स इन द इवोल्यूशन ऑफ जीन्स, होमो जीन्स में कौन से मेजर ट्रेंड्स आए हैं, ट्रेंड में इवोल्यूशन हुआ है, मेजर इवोल्यूशन कौन सा है वो आपको लिस्ट करना है। इसमें 7-8 पॉइंट आपको बताने होंगे तो ही आप 5 मार्क्स कमा सकते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। और इसके साथ 2-3 क्वेश्चन और आ जाती हैं, 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है। और बाइनोमियल सिस्टम क्या होता है ये भी कई बार पूछ दिया जाता है, उसके लॉ किस तरीके के हैं प्रिंसिपल बताने के साथ साथ, तो ये भी आपको बताना होता है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था कैरोलस लिनस ने, ये एक स्विस नेचुरलिस्ट थे, इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बारी है, व्हाट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होती है एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमिस्ट। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रोसीजर के बारे में भी बताना होगा कि कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनका यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमिस्ट जो होते हैं वो लोग। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं, अब थोड़ा सा आप जस्टिफाई करना भी सीख जाइए, जस्टिफाई के भी क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑन ओशियनिक आइसलैंड आर एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब वो होता है जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेस पे ही पाया जाता है, यानी पर्टिकुलर प्लॉट पे ही पाया जाता है। और वैसा ही बात यहाँ पर कहा गया इस क्वेश्चन के अंदर कि जस्टिफाई करना है आपको कि बहुत सारे जो ओशियनिक आइसलैंड के स्पीसीज होते हैं वो एंडेमिक होते हैं, इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं, किन एंड ग्रुप सिलेक्शन में आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि किन का किस तरीके से सिलेक्शन होता है, ग्रुप का किस तरीके से सिलेक्शन होता है, ये स्पीसीज करते हैं। आपने अगर अपने कोर्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ाओ खास करके 4th ब्लॉक को तो आप ये पॉइंट जल्दी से कैच कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं, क्रिटिकली इवेल्युएट द लमार्कियन कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। यहाँ पर क्या है कि लमार्कियन का कॉन्सेप्ट आया था इवोल्यूशन को लेकर के, तो आपको उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है, उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताने हैं। अब वाइल्ड लाइफ के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम में बहुत बनते हैं, आपको बताना होता है कि पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर बनी थी, ये सारी चीज़ें, तो आप वो जो चैप्टर है उसको बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ये नेसेसरी नहीं है कि जो मैंने क्वेश्चन बताया वही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का मेथड वही रहता है। जैसा हमने अभी एनिमल के इवोल्यूशन में देखा, पूछने का तरीका बस थोड़ा सा बदल जाएगा, सॉल्यूशन जो है आपके आंसर देने का वे है आप उसको भी थोड़ा सा चेंज करेंगे, जैसे क्वेश्चन मॉडिफाई होगा आपको अपना आंसर भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है और उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है ये आपको बताना है। गिव द नेम्स एंड लोकेशन ऑफ एनी 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया। और आपके बुक के अंदर एक बहुत ही अच्छे से लिस्ट बना करके दी हुई है, उसके अंदर कौन से एनिमल्स हैं उन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में वो भी बताया हुआ है, क्या लोकेशन है, क्या नाम है और किस चीज़ के लिए वो ज़्यादा मशहूर है, ये सारी चीज़ें आपके बुक्स में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से इस चीज़ों को कवर कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट प्रोटोजोम्स एंड ड्यूट्रियोस्टोम्स। ये बच्चे जो हैं कई बार इस चीज़ को इग्नोर करते हैं लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से देख करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन हेकल्स लॉ, हेकल्स लॉ पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19, लिस्ट द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गुड बोटैनिकल गार्डन। एक अच्छे बोटैनिकल गार्डन की जो एक अच्छा बोटैनिकल गार्डन होता है वहाँ से आप किस तरीके के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं ये आपको लिस्ट में ये आपको लिस्ट करना है। और यहाँ पर भी आपको 7-8 पॉइंट बताने होंगे और किस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, एक गुड बोटैनिकल गार्डन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये चीज़ भी आपको अपने माइंड में रखना चाहिए। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो जहाँ पर हमने LSE 7 के 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे जिनकी प्रोबेबिलिटी है आपके दिसंबर 2019 के एग्जाम में आने की। और बाकी जो हमारी 3 वीडियोज़ हैं उनका लिंक भी मैं इस वीडियो में डाल दूंगी, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को भी जा करके देख सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, जय हिंद जय भारत।